In a test, a student gets 4 marks for each correct answer and 2 marks are deducted for each wrong answer. If he attempts all 71 questions and gets 200 marks, how many questions did he answer correctly? देखिए करने से तो इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा मतलब प्रोसेस वो है, लेकिन एक वाला एक जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें कीजिए, इसका रॉन्ग होने का चांसेस बहुत कम होगा। तो सबसे पहले बोला है कितना, 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, 4 मार्क्स जो है ईच करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर को मैं एक्स मान लेता हूँ और रॉन्ग आंसर को वाई मान लेता हूँ, ओके। तो 4 मार्क्स जो है ये करेक्ट आंसर के लिए है। 4 मार्क्स अगर करेक्ट हो रहा है तो माइनस 2 भी तो रॉन्ग हो रहा है ना, रॉन्ग के लिए मैंने क्या किया वाई, तो टोटल मार्क्स कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, ओके। ये मेरा इक्वेशन हो गया एक, ओके। अब इसी में बोला है जो मेरा मार्क्स है, राइट मार्क्स एक्स को मैंने जो डिनोट किया हूँ और मेरा रॉन्ग मार्क्स को मैंने क्या वाई से डिनोट किया हूँ, ये दोनों का वो क्या हो गया, अटेम्प्ट कितना किया, 71 किया, ओके। ये याद करना है और y का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ से 71 ऐसा ही होगा, अगर ये x इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस x, तो y का वैल्यू हो गया। अब इसमें रिप्लेस कीजिए ये वाला, ओके, ये वाला इसमें रिप्लेस कीजिए, क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2y का जगह में आप लिख सकते हो 71 माइनस x इक्वल्स टू 200, ओके। ये आ गया मेरा, अब इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या आया है, सो आ जाएगा मेरा कितना, आ जाएगा मेरा 4x माइनस 142, 2 इंटू 71 142 माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस और x 2x इक्वल टू 200 और इधर जाएगा 42, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ होगा 6x 42 उधर जाए 142 उधर जाएगा तो प्लस होगा 342 होगा और x इक्वल्स टू कितना होगा 342 बाई 6 कितना आ जाएगा 57 मेरा आंसर होगा। सो थैंक यू।